Good morning, dear friends. Once again, let us start with our topic: electric charges and fields, electrostatics. So, beta, now yesterday, we have studied about the electric field and electric field lines. So, let us start with that. और कल मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम भी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ओके, सो फील्ड लाइन, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट फील्ड लाइन, आई टोल्ड यू अबाउट फील्ड लाइन यस्टरडे दैट फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will go for getting the properties of electric field lines. Properties of electric field lines. तो electric field lines क्या होती है? तो number one, they are continuous. कंटिन्यूस मतलब यहां पर दिखा है तो फील्ड लाइन कैसे दिख सकती है, ऐसे दिख सकती है, ऐसे भी दिख सकती है ना, ऐसे भी दिख सकती है। तो यहां पे हमको ऐसे समझना चाहिए, ये जो डिरेक्शन है ये एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इट मीन्स दैट दे आर कंटिन्यूस एंड कर्व्स। कर्व्स क्यों बोला है, तो मैंने कल आपको स्केच करके दिखाया, तो पॉजिटिव निगेटिव है तो बीच में वो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बीच में ऐसा जाता है, आपने देखा होगा कल, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूस कर्व्स। सेकेंड है फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडियली आउटवर्ड, फॉर निगेटिव चार्ज दे आर रेडियली इनवर्ड। तो ये दोनों को भी इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं, कंबाइंडली वी कैन स्पीक दैट स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। देखो बेटा यहां पे अगर देखा हमने तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, I can write over here, this is positive charge and of course this will be negative charge. So it is going away from the positive charge, going towards negative charge. तो यहाँ पर देखा तो रेडियल आउटवर्ड इनवर्ड का आपको दिखेगा, यहाँ पर भी मैंने देखा ये पॉजिटिव बनेगा ये निगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा ये निगेटिव बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो आई हैव एक्सप्लेन यू यस्टरडे अ पाथ अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज moves, are you getting my point, path along which a free positive charge move when placed in the electric field. जो हमने सीखा है तो electric field line का मतलब क्या है, जो मैंने कल आपको सिखाया था, what I taught you that इसका definition क्या बनाया मैंने, path कल भी दिखाया था along which a unit positive charge ना, always positive charge unit positive charge moves कब, when placed in an electric field। तो सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जस्ट लाइक गिवन दिस, तो देन वी विल से दैट हियर इज द पॉजिटिव एंड हियर इज द नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो इफ आई विल बी कीपिंग सपोज पॉजिटिव चार्ज हियर, इफ आई विल बी कीपिंग पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, व्हाट विल हैपन, दिस विल रिपेयर, बराबर। तो ये डायरेक्शन कैसे बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वैसे, एंड दिस विल एक्ट राइट, तो इधर जा रहा है, तो यहां से अगर वो चला गया तो देखो अभी यहाँ है तो ऐसे जाएगा, यहाँ है तो ऐसे जाएगा, इट मीन्स दैट
unit positive charge moves. Kab? When placed in an electric field. If we are keeping a unit positive charge in the electric field, then how it will move that charge? That is given by your electric field line. It is also called as electric line of force. Okay, field line is also called as electric line of force. Okay, उसके बाद में आता है tube of force. तो बहुत सारे लाइन इकट्ठा किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम और भी क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको और भी क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, और बहुत सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इकट्ठा जाए, then that area they are going, that is called as tube of force. और उसमें total normal electric induction, like that terms you may see in state board syllabus, somewhere they are given. We are directly dealing with like this only, so there is nothing special about that. But you must be doing, that's why I have explained. So we will again come for positive charge they are radially upward, for negative charge they are radially inward. It means that I can say that they start at positive charge, for the negative charge they end, they go there. Are you getting my point? Okay. Suppose if you want direction of electric field at any point, this is electric field line, this is field line. Suppose this is the point at which I want exact direction of electric field. So what I will do, this is my electric field and I am in question that what will be the direction of electric field at this point. Then you have to keep in mind always in which direction it is going, like this. So in this direction, draw the tangent. Draw the tangent. Tangent you have drawn. So the direction of electric field will be always along the tangent to that point in the direction of electric field. So ye ban gaya, this is called my electric field. Aur ye ban gaya field line. So direction of electric field at a given point is always कहाँ पे, along the tangent to the curve in the direction of course field line. So if we want the direction of electric field, then what you have to do, take that electric field line, you are knowing that direction, like that it is going, then draw the tangent exactly in that direction, then you will be able to get the direction of electric field at that point. Are you getting my point? So direction of electric field at a given point is always along the tangent to the curve in the direction of field line. Okay. किसी भी एरिया के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं आपको निकाल भी देता हूँ, यह अभी ये ऐसा है और ऐसे जा रहा है और इस पॉइंट को अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट को कैसे रहेगा, ऑफकोर्स ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस पॉइंट को अगर देखा देन इट विल बी लुकिंग लाइक दिस. समझ गए बेटा? तो ये केस एक केस हुआ. सपोज दूसरा, मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे मेरे को देखिए, I want here. तो डायरेक्शन तो फील्ड लाइन का ऐसे है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा. सपोज इफ द फील्ड लाइन इज स्ट्रेट तो क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन मेरा स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, ऑफ कोर्स टेंजेंट विल बी अलोंग दैट. इफ दिस इज द पॉइंट, देन हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. ऐसे होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट। आज तो पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है पूरा हो जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा? तो हमने पहले सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनमें फर्स्ट इज दे आर कंटिन्यूस कर्व। वो कंटिन्यूस कर्व पॉजिटिव से चालू करते निगेटिव को एंड करते ऐसा बोल सकते हैं। अगर सेपरेट पॉजिटिव चार्ज दिया तो रेडियली आउटवर्ड, सेपरेट निगेटिव चार्ज दिया तो रेडियली इनवर्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं? दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट निगेटिव चार्ज। मोस्टली दिस कंसेप्ट वी आर यूजिंग इन मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर देयर, देयर वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट। सो हियर देयर इज नॉट अ बिग कंसेप्ट, यू कैन कीप इन माइंड फॉर पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर निगेटिव चार्ज दे आर रेडियली इनवर्ड। तो मैंने वो दिखाया था आपको, फिर से अभी दिखा दूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज गिर गया तो आप ऐसा दिखा सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है तो दे आर रेडियली आउटवर्ड, सब डायरेक्शन में उनको रेडियली आउटवर्ड ऐसा करके दिखा सकते। एंड फॉर निगेटिव चार्ज कैसे हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड, सो माइनस यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये तो मैंने कल दिखाया था पॉजिटिव के लिए, ये बन जाएगा निगेटिव। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, वॉट एवर इज द फील्ड लाइन गिवन ऑन दैट फील्ड लाइन, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन वॉट यू टू डू, टेक दैट पॉइंट, ड्रॉ द टेंजेंट टू वॉट, टू द कर्व, वॉट एवर इज द कर्व, ड्रॉ द टेंजेंट टू द कर्व in the direction of electric field and that direction of that tangent that will be given, that will be giving the direction of electric field at that point. So direction of electric field at a point is always along the tangent to the curve in the direction of field. These are some examples I have drawn, so I will suggest you note this down, then we'll go for the next. Number four is BMP that comes for board questions. So that is for 1 mark, 2 mark they may ask. The property is no two field lines intersect each other. Number four, call it as BIMP. That's very important. No two field lines, otherwise you can write two field lines never cross each other like that. Cross or intersect each other. No two field lines never cross or intersect each other. So what is the explanation of this? Suppose like that it is there. Suppose this is one field line and suppose this is another field line. Then what will happen? Wherever they are intersecting, there will be confused about what? We will be confused about point number 3 told that direction of electric field at a given point is along the tangent to the field line. So I have drawn the tangent to the field line. So I will be in problem. I will be having this tangent also and I will be having this tangent also. Then which will be my electric field? So it will give you two directions of electric field. This is not possible. Okay, so how we can give the explanation? If it will come in exam, how you will explain? If they intersect each other, then we will get, kya ho jayega? We will get two directions of electric field at given point. We will get two directions of electric field at given point, which is not possible.
So that is not possible to get two directions of electric field, which is impossible because you are knowing एक ही वेक्टर का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है एक ही पॉइंट को, है ना? जो कुछ पॉइंट दिया है आपको, उस पॉइंट को, उस वेक्टर का आपको कितना डायरेक्शन मिलेगा? एक ही डायरेक्शन मिलेगा। उसका दूसरा डायरेक्शन कैसे आ सकता है? यहाँ पर तो दो दो डायरेक्शन मिल रहा है, मतलब ये नॉट पॉसिबल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज सपोज इफ यू कंसिडर द टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन व्हाट विल गेट? व्हेरेवर दे इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट व्हाट विल गेट? टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दैट्स व्हाई व्हाट एवर वी हैव थॉट दैट दे आर इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज रॉन्ग। सो अगेन टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट देन वी विल गेट two directions of electric field, different directions at given point, which is not possible. So they never intersect each other. So I suggest you to note this down, then we'll go for the next point. That's all. Now we'll go for the next point, fifth point. How to get the strength of the electric field by observing the field lines? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, जस्ट ऑब्जर्व करने का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, पर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो हम देख सकते हैं। द रीजन वेयर फील्ड लाइन्स आर, द रीजन वेयर फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड has strong electric field, stronger electric field. तो अगर field lines crowded है तो कैसे चलेगा? electric field strong है। suppose यहां से field line ऐसे जा रही है, suppose तो यहां पे if I take this area and this area, so this area has crowded electric field lines, crowded field lines implies stronger electric field. Here field lines are scattered. So it means that weaker electric field. So next also we can write, so first the region where field lines are crowded has stronger electric field. On the other hand, the region, it's very important, huh? The region where field lines are scattered has weaker electric field. So I suggest you to note this down. जिसे भी region में, okay, अगर crowded field lines में है उतने ही area में, ये दो area में same रहता है, इस area में एकदम closely spaced, okay, और यहाँ पे far spaced. Closely space है तो आपको क्या मिलेगा? You will get a stronger electric field. And here the spacing is more, that you have to keep in mind that electric field is weaker. Okay? Okay. Now we'll go for sixth one. Sixth one is not the property. You must know what is meant by the uniform electric field. If field lines are parallel to each other, if the field lines are parallel to each other,
जो फील्ड लाइन है एक दूसरे पर है पैरेलल। अगर पैरेलल है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये फील्ड लाइन इससे है सो दिस इज नथिंग बट रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब कंसेप्ट है दोस्त, कंसेप्ट नाउ वी विल बी यूजिंग व्हाइल वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और व्हाइल वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट दैट। सो बिफोर दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वन बाय वन आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया अबाउट दैट। ओके सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, विल गो फर्दर। दैट्स ऑल। ओके नाउ विल गो नेक्स्ट। So nature of electric field. So electric field versus R. So you have to keep the practice. So very important graphs. Okay. So आपके लिए homework है. The homework for you. Homework for you. Homework for you. आपको पढ़ने हैं ग्राफ्स ऑफ एफ वर्सेस आर एंड ई वर्सेस आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस आर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस। ओके बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके that we will do, that's not a big issue. Okay, so you have to all graphs, all graphs, all. So you have been provided with a module, so in that module you will come across many graphs, and next lecture we will next to next lecture we will go for the Gauss theorem and everything. So in that we will get the different cases and what is the electric field for that. So in that we will calculate, we will find out different relations, and then we will get E versus R. Getting my point? Okay, that's all. We will go further. So in this homework, note down with you and complete that. So now we will go further somewhat, and we will go for one new concept. Okay, so what is that concept? That also we will get. Okay, that concept is electric dipole. Electric dipole. Okay, so electric dipole किसे बोलते हैं? Dipole. Dipole two. So one. टू चार्जेस, ऑफकोर्स डायपोल हो रहा। टू चार्जेस कैसे होने वाले हैं बेटा? टू चार्जेस अपोजिट है ना, सो वी विल गो फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। सो डायपोल हाउ विल इट लुक लाइक? वन निगेटिव चार्ज एंड वन पॉजिटिव चार्ज, minus q and plus q, separated by distance 2a. So electric dipole, what we can call it as an electric dipole? So a system of one
पॉजिटिव एंड वन निगेटिव चार्ज ऑफकोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. What is electric dipole? Electric dipole is a system which is made up of two charges, one minus, one plus, separated by the distance 2a. So first of all, we have to define very important quantity regarding to electric dipole. That is called as electric dipole moment. Okay, what we will define? We will define electric dipole moment. It's very important. Electric dipole moment. Okay, electric dipole moment. It is shown by vector P. It is a vector quantity. So number one, it is a vector quantity denoted by P, vector P. So electric dipole moment, how we can define electric dipole moment? P is equal to Q into 2A. This is magnitude. So what we can write? Magnitude of electric dipole moment vector P is either charge, either matlab any charge will be, because both are same, either charge into, okay, either charge into distance of separation, into distance P is equal to Q into 2A. So in general we can write magnitude of P to be 2QA, lekin it is P Q into 2A. Okay, 2QA is simple, but it is actually Q into 2A. Direction always from negative to positive. Direction always from negative to positive. This is very important. And this we will be using for our derivation, first derivation in our this topic, that is electric field at a point on the axis of electric dipole. Okay, so this is very important. Let me explain it once again. We will make a overview of this electric dipole. Matlab kya? It is a system of one positive and one negative charge separated by distance 2a. It is called as electric dipole. Like this, you may show that. This is minus q, this is plus q. The distance between them is 2a. But electric dipole moment. So what is electric dipole moment? It is a vector quantity. How it can be given as? It can be denoted by vector P. So magnitude of vector P is Q multiplied by 2A. That is either charge, any one of the charge. Kisi ek charge ka magnitude lo, either charge multiplied by the distance between them, distance between two charges. So magnitude will be of course 2QA or A, Q into 2A. Like that actually you have to keep in mind, because 2A is important. And direction will be of course from negative to positive. So yaha pe bata electric dipole moment, if I will write P, uska direction I will write this. The direction of electric dipole moment will be from negative to positive charge. So it's very important, VVVVIMP, because depending on this you have to solve many derivations. Okay, so I will suggest you to note this down. Okay beta, now we'll go for the derivation of first derivation, VVIMP, that comes for your board exam. And lastly, whatever we will prove on that, you are expected to solve the problems in your competitive JEE level. So first of all, we shall go for derivation. Okay, so
सो वी वी आई पी अगेन brothers and sisters, for them Eid Mubarak. Okay, I was not knowing. Right now I got it, because this video when you will be getting, I think that will be the day of Eid. So everybody, Eid Mubarak. Okay, we will continue. ऐसा होता है दिवाली, दिवाली को विश करना पड़ता है, क्रिसमस को विश करना पड़ता है, तो वैसे ईद मुबारक. ठीक, चलो. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of electric dipole. तो क्या है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ क्रिटिकल करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, एकदम आराम से देखना पड़ेगा, एंड पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी एकदम करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन से देखो. वॉट एवर द स्टेप्स आई एम टेकिंग वन बाय वन यू ऑल्सो डू, यहाँ पर आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा. चलो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो डेरिवेशन के लिए लिखने की चीज़ें वो आप लिख सकते हो, तो मैं जब बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हो. क्या बोल रहा हूँ, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी. ओके, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी. सो वंस द इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन, दिस यू हैव टू नोट डाउन दैट डिस्टेंस इज 2a, दिस इज माइनस 2 प्लस. Now, axis means this line. This line will be called as axis of the dipole. So, suppose there is a point P at a distance. Suppose there is a point P at a distance R from the center of the dipole. Okay, so what I have written, so first point, consider electric dipole of dipole moment, aaj pura karte hain derivation, dipole moment P is equal to Q into 2A. Suppose a point P at a distance, see ya, see properly, suppose a point P at a distance R from the center of the dipole. P kahan pe, it is the distance R from the center of the dipole. Okay, that's why what will become, if I take plus Q, if I take plus Q, then what will be the distance of P from plus Q, and if I take minus Q, then what will be the distance of P from minus Q. That is also very important. They know that distance of P from plus Q, how much will be the distance, this is R. So this is 2A, this is center, so of course this will be A, this will be A, total R minus A, that will be the distance, so that distance will be R minus A. Let me again explain, the point P is on the axis, it is totally at a distance R from the center of the dipole,
डायपोल हैज लेंथ 2a, सो ऑफ कोर्स दिस सेंट्रोइड दिस चार्ज प्लस q विल हैव डिस्टेंस a. टोटल डिस्टेंस इज r, सो दिस डिस्टेंस विल बी टोटल डिस्टेंस r माइनस दिस डिस्टेंस a, सो दैट विल बिकम r माइनस a. सेम वे डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम माइनस q, ऑफ कोर्स दिस इज r प्लस दिस a, सो दैट विल बी r प्लस a. So distance of plus from P, so this distance will become R minus A, and this total distance will become R plus A. Okay. Now at point P, in order to calculate electric field, what will we consider? To calculate electric field. To calculate electric field at P, let's consider a unit positive charge kept at P. So we will keep a test charge, unit positive charge from the camera, test charge kept at P. So in order to calculate the electric field at this point, what we will consider? We will consider a unit positive charge kept at P. बराबर. तो ये कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है. ये डिस्टेंस है r माइनस a, ये डिस्टेंस है r प्लस a. बराबर. सो वी विल गेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो it will have, this will repel, so e plus kaun si direction mein jayega, is direction mein jayega, and this will attract, so e minus in this direction. Okay, this is point P, this is the point P, this positive charge will repel, so that direction will be here, and this will attract that charge, so that direction will be here. So net electric field, okay, therefore net electric field will be E plus, okay, plus E minus, but E minus is in the opposite direction. Getting my point? Okay, therefore E net, so yahan pe agar maine plus likha hai तो उधर माइनस लिखना पड़ेगा, बाद में कर्म करते वक्त माइनस लिखना. ई प्लस क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के ए का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, ये टेस्ट चार्ज का मतलब लिखने का जरूरत नहीं है. क्यू अपॉन, मतलब ये डायरेक्टली लिख सकते हैं q अपॉन 4π0, ठीक है, q अपॉन, ये पूरा कितना है r प्लस a ब्रैकेट, और ये उल्टा है, ये माइनस है, बराबर, सो इट इज माइनस, और ये प्लस है, नहीं e प्लस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो पहले e प्लस था, वेरी सॉरी, e प्लस मतलब ये आया था 1/4π0 q upon r minus a bracket square minus 1/4π0 q upon r plus a bracket square. This is very important step. So beta, I will suggest you to note this down, because after this I am going to rub this and directly I will go for the calculation. Okay, do that. Okay beta, so what I got, सभी ये कर लो, जितना नीचे ये उसको हटा दो, है ना, इतना रहा, सो कितना मिल गया, therefore टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E dB, यहाँ से Q 1/4π0 I will take outside, that will be Q bar 4π0 1 bar R minus A bracket square
माइनस वन बाय आर प्लस ए ब्रैकेट्स, वन बाय आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर वॉज वन बाय आर प्लस ए ब्रैकेट्स। ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर डूइंग दिस थिंग्स। ओके, सो दिस कैन बी सॉल्व, वन बाय आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस ए ब्रैकेट्स। हाउ टू सॉल्व इट? तो बेटा पहले तो विल मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर माइनस ए ब्रैकेट्स। अब आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर आर प्लस ए ब्रैकेट्स, बराबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करता है, ए प्लस बी ए माइनस, करेक्ट। सो व्हाट आई राइट, ए इसको बोलेंगे आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय आर प्लस ए माइनस आर माइनस अपॉन आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर आर प्लस ए ब्रैकेट्स, बराबर। ये करने का जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए दिखा रहा हूँ, यू कैन डायरेक्टली राइट व्हाट एवर आई विल राइट डायरेक्ट आफ्टर दिस दैट यू कैन डायरेक्टली। नाउ विल गो फॉर बीइंग दैट आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, मतलब ये ए ने बी को काट टू आर, बराबर, करेक्ट। आर प्लस ए माइनस आर माइनस आर, और ये प्लस माइनस ए प्लस ए हो जाएगा टू आर, ये बन जाएगा टू ए, समझ गए। यहाँ पे कौन कट जाएगा, आर कट जाएगा और ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, सो टू आर टू ए अपॉन आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, getting my point? Okay. Now what to do for this one? What to do for this one? So, if I'll go for that, I wanted to make the square now first. I was expected to do the square here. So first of all, we will do that square. So what I can do for that? R square plus 2ar plus a square minus r square minus 2ar plus a square. Okay? Divided by r minus a square r plus a square. Now, this one is there, no? This one. You can split that. How? R minus A, R minus A, and R plus A, R plus A. How we can split that? Yes, samajh mein aaya? Isko split kiya, isko bhi split kiya. Now it is negative, so these all signs will change. This negative, this positive, this negative. And here what I have done? I have split it, that square is there. R माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, उसको क्या किया हमने, R माइनस ए R माइनस ए, R प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर लिखते हैं, आई हैव स्प्लिटेड दैट R प्लस ए R माइनस ए। नाउ a प्लस बी ए माइनस ए, a प्लस बी ए माइनस ए, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितने बार आया है, दो बार। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ये यूज करके ऐसे लिख सकता हूँ, एक एक कितना है मेरा, एक कितना है आर प्लस ए, बी कितना है आर माइनस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, सो उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो बेटा ये भी करने का जरूरत नहीं है, यहां पे मैं डायरेक्टली उसको लिख सकता हूं, तो ये भी अभी करने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक।
से देखो इतना ही रखता हूँ उसको, इसको क्या लिख सकते हैं देखो ए स्क्वायर, इसको ए ए दिया ए आर में से दो उसके आर में से दो तो अच्छी बात है, इसको करके दिखाते हैं आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं आर प्लस ए आर प्लस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आर प्लस ए आर माइनस ए और ए आर प्लस ए आर माइनस ए, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितने टाइम आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए मतलब क्या आर प्लस ए आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, समझ गए तो इसका ए स्क्वायर मिल गया आपको, इसका स्क्वायर मिल गया और ये भी पॉइंट तो एक इससे कैंसिल हो सकता है, तो ऐसा ऐसा करते करते आप अगर हम चलेंगे देन वी विल बी एबल टू अगेन द वैल्यू ऑफ दिस आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, आर गेटिंग माय पॉइंट ओके, नाउ व्हाट टू डू फॉर दैट ओके, सो और डायरेक्टली आल्सो यू कैन मेक दैट व्हाट that whatever you will get na value that you can get now to a isme se chala jayega to r plus a bracket square minus r minus a bracket square ye kitna banega wo bhi aapko nikal ke rakh deta hu aapke to kitna banega r square plus 2ar plus a square minus into bracket r square minus 2ar plus a square samajh gaye तो इसमें से क्या क्या चल जाएगा ये बन जाएगा माइनस ये बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा माइनस तो आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को बांटा ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को बांटा टू ए आर प्लस टू आर ये बन जाएगा फोर ए आर क्या बन जाएगा फोर ए आर गिविंग अ पॉइंट ओके ये बन जाएगा फोर ए आर तो इसका कितना बन जाएगा फोर ए आर ओके और इसके लिए क्या करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे getting my point okay so abhi kya karna hai abhi isko iske sath replace karte hain okay so I hope you have understood that no need to note down that directly we can replace with that because lastly we have to get the result okay so in order to write the derivation in the exam you are not expected to do this calculation just I have shown you how you can adjust that and get the value so if you simplify that if you simplify that then you will get something like that what we will do okay it's okay actually it is p upon 4 pi epsilon naught r cube something like that but that is for short time that is for short time so we will not be interested in that so better way what to do it's okay you do that so I will this keep this for you people to populate that not in this in the rough I showed you the formula and it is given in your module also there is no problem we can do that so what you do populate this 1 by r minus a bracket square fir se dekho beta ye r minus a bracket square minus r plus a bracket square because e is proportional f upon q na f upon q so r square that will remain like that only so minus 1 by r plus a bracket square सिंपली आपको मैं क्या क्या दो तीन स्टेप फिर से करवा के दिखाता हूँ बाद में आप उसको कॉपरेट करो आंसर ले लो ओके ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस ए आर माइनस ए आर प्लस ए आर प्लस ए ओके सो
इसको इसको एक किया तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक प्लस माइनस और प्लस माइनस ऐसे पेयर कर देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस। ओके थोड़ा सा मैंने उसको गलत किया, ये हो गया बराबर। ऊपर का क्या आया, आर स्क्वायर प्लस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर। ये समझ गया आपने, आपको हमने ये सीख लिया आर प्लस ए दो टाइम, तो यहाँ पे एक आर प्लस ए यहाँ पे दिया आर माइनस ए भी दो टाइम, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डायरेक्टली लिख सकते आर माइनस ए आर प्लस ए यहाँ पे डिवाइड। अभी ए प्लस बी ए माइनस ए, ए प्लस बी ए आर बी ए ए आर प्लस ए आर माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए, अभी आ रहा फटाफट आ तो करके ही दिखा दे, तो आपको भी फिर से वो ढूंढ के करने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे दिखाई दे पूरा। ये बन जाएगा माइनस ए प्लस ये माइनस, तो आर स्क्वायर नहीं काटा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं काटा ए स्क्वायर, ये माइनस बन जाए और ये प्लस बन जाए टू ए आर टू ए आर बन जाएगा फोर ए आर, ये कितना बन जाएगा फोर ए आर अपॉन ये और ये, इसका मिलान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे अगर डाला उसको इफ आई पुट दैट वैल्यू देन बेटा व्हाट वी आर अबाउट टू गेट वी विल बी गेटिंग देयरफॉर ई विल बी क्यू इंटू फोर ए आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस स्टेप्स, ये इधर मत लिखो, इधर डायरेक्टली लिखो, आपके लिए ये स्टेप आप लिख के आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस दिस वन टाइम। ओके ओके बेटा कर दिया, वी विल गो फॉर दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई, नाउ वी विल मेक द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। तो ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 4a को मैं कैसे लिखूंगा, ये q 4a को लिखूंगा 2a हाँ इंटू टू आर टू टू दोर फोर ए आर हो जाए, समझ गए डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। लेकिन q इंटू टू ए ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे बन जाएगा 2r इंटू पी, इसको p बोलेंगे 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट। ओके यहां से इफ डायपोल इज शॉर्ट, हाँ एक और ये डेरिवेशन में मेरा एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, हम शॉर्ट ही कंसीडर करते हैं एकदम छोटे। शॉर्ट का मतलब क्या, शॉर्ट का मतलब ऐसा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा 2a वो बहुत छोटा रहेगा और ये जो डिस्टेंस है r वो बहुत ज्यादा। सो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो r स्क्वायर और a स्क्वायर में a स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर निगलेक्टिंग a स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर को निगलेक्ट किया देन व्हाट वी विल बी गेटिंग, we will be getting that the E will be 2R into P upon 4 pi epsilon naught A square to neglect ya R square bracket square A kya bin jate 2RP upon 4 pi epsilon naught R is to 4 samajh gaye, to ek R mein dusre R ko cross ye ban gaya, to finally what we will be getting, will be getting electric field equal to 2p upon 4 pi epsilon naught r cube.
okay, so this is the value of electric field. And direction kaise rahega? direction kaise rahega? ye lambai is far, this is near, so direction will be like this. तो इसको डिरेक्शन के लिए अगर मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिखा, एक्स वाई ऑफ कोर्स इसका आएगा आई क्या बाय एक्स. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. तो बेटा जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस व्हाट वी हैव डन. पहले हमने क्या किया, वी हैव टेकन वन डायपोल, इसका फिर से रिवाइज करता हूँ. टेकन वन डायपोल, डायपोल मीन्स माइनस पी प्लस पी, डिस्टेंस ऑफ कोर्स 2a, देन वी हैव कंसीडर अ पॉइंट पी व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. सेंटर ऑफ द डायपोल से r डिस्टेंस में मेरा पॉइंट p है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, r माइनस r, एंड दिस टोटल डिस्टेंस विल बी r माइनस r. नाउ दिस इज माइनस चार्ज, सो दिस विल बी attracting this charge, because here I have considered there is a unit positive charge. So this minus charge will attract this charge. This plus charge will repel that charge. Okay. So net electric field will be E plus plus E minus. So E minus is direction mein, E plus us direction mein. So E plus ko agar maine plus diya, to of course E minus ka direction minus diya. So Q upon 4 pi epsilon naught R minus ये bracket square, ये plus का ये plus का आगे minus Q upon 4 pi epsilon naught R plus A bracket square, क्या गया plus का, इसमें से Q upon 4 pi epsilon naught को common निकल, बच गया 1 by R minus A bracket square minus 1 by R plus A bracket square. That's all. Now how to solve that? That I have solved already. What I have done? R plus a bracket square minus R minus a bracket square. Then I have split that square. A square plus B square. A square plus 2AB plus B square. दोनों की जगह split कर दिया. Down में क्या किया? इसको दो time लिखा. R plus a R minus a. R plus a R minus a. मतलब a plus b a minus b. A plus b a minus b. तो a plus b a minus b क्या बन जाएगा? A square minus b square. फिर से a plus b a minus b. A square minus b square. तो दो time होगा. इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, तो वैसे ही लिखा मैंने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा 4a था, तो 4ar को मैंने कैसे किया, आई हैव स्प्लिटेड दैट 4ar जस्ट लाइक 2a इनटू r, आउट ऑफ दैट दिस 2a इनटू q विल बी माय डायपोल मोमेंट वेक्टर p, दिस विल बी 2r, सो आई गॉट e इक्वल टू 2rp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. Now what I have considered the length of the dipole to be very small, means I have considered the short electric dipole. So in your derivation always you have to consider the short electric dipole. Then for short electric dipole, what is the important case? The important case is R will be very greater than A. Dipole chota hai na, aur jo distance R ka kya hai, जहाँ पे पॉइंट पी सिचुएट है वो बहुत लंबा होगा. देन वी कैन निगलेक्ट ए स्क्वायर, यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर है, उसको निगलेक्ट कर सकते, उसको निगलेक्ट करेगा आर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट कैंसिल, ये क्यूब बन जाएगा, ये क्या बच गया, अभी आर कैंसिल हो गया, टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब. I hope you have understood the derivation for electric field at a point on the axis of short electric dipole. Okay, so I will suggest you to practice well for this derivation, because for board exam many times this derivation comes for 3 marks directly for writing. Okay, so that's the thing you have to always keep in mind. This is derivation for that. बोर्ड के लिए लगता है, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है. उसका प्रैक्टिस करो एक बार, बिना देखे हुए उसको करके देख लो. और इसका एडजस्टमेंट मैंने जो दिखाया था वो एडजस्टमेंट लिखने का जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली एडजस्ट दैट 4ar upon r square minus a square. इसका वैल्यू कितना याद में रखना, 4ar upon r square minus a square bracket square. इतना आपको ध्यान में
रखना पड़ेगा, समझ गए बेटा? सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. ओके चलिए तो बेटा चलो अभी दूसरे डेरिवेशन के लिए हम खुद को तैयार करते हैं ना. The derivations are better not creating them, okay? Only thing is that there are many derivations. So, beta, you have to keep practicing for those derivations. Samajh gaye? If you are practicing well, then for you people, there will not be any problem. Huh? Second derivation. Electric field. At a point on equator of electric dipole. So first derivation, it is also called as axial case. क्या बोलते हैं first derivation को? Axial case. और second derivation को क्या बोलते हैं? Equatorial case. चलो इक्वेटर पर करना है, माइनस यहाँ पर लिख लूँगा, थोड़ा सा नीचे दिखता है उसको, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. डिस्टेंस कितना है बेटा? 2a. डिस्टेंस इज 2a. ओके नाउ सपोज दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर मीन्स द लाइन विच विल मेक टू एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स ऑफ द डट. मतलब तिरछा चल रहा है, थोड़ा सा नीचे है ना, ठीक. सो नाउ दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन मेकिंग द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द गिवन डाई. ओके नाउ सपोज हियर इज माय पॉइंट, सपोज हियर इज माय पॉइंट पी. ओके तो पॉइंट पी के लिए क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ना पड़ेगा ये और ये, पैसेज के स्ट्रैंगल करेंगे तो ये भी थीटा बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा, बराबर. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल राइट सेम, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए. Let's suppose a point P, ये distance बन जाएगा R, और ये बन जाएगा भी A, और ये भी बन जाएगा A. Point P at a distance of R from the, ये लिखना पड़ता है derivation के लिए, ये चीज़ आपको लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया, so that you will be getting some practice. Let us suppose a point P at a distance of R from the center of the dipole. लेकिन कैसा? Center of the dipole on equatorial line. So पहले dipole consider किया, बाद में वो point P consider किया. Consider इसके बाद में अभी कंसीडर करने का उस पॉइंट पी पे एक मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, हो गया काम खत्म हो गया. वेक्टर एडिशन किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया, आपका आंसर बन जाएगा. देखते हैं अभी, आई थिंक आज को पूरा नहीं हो पाएगा, देखते हैं क्या. कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैप्ट एट पी, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंटू करके टेस्ट चार्ज. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी आल्सो ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव. वेक्टर एडिशन, तो यहां पे ई पॉजिटिव ई नेगेटिव दिखाना पड़ेगा. कैसे? देखो बेटा, दिस इज नेगेटिव चार्ज, यहां पे मैंने क्या कंसीडर किया? टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर.
सो दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्ट एज डिस्चार्ज, है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस फ्रॉम दिस बराबर. और ये जो इट विल रिपेल, सो इट विल रिपेल अलोंग दिस लाइन, करेक्ट. सो दिस विल बी ई माइनस एंड दिस विल बी ई प्लस. और देखो अभी फॉर दिस ट्रायंगल दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल, बराबर. एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू फार इंटीरियर एंगल्स. सो थीटा प्लस थीटा ये बन जाएगा टू थीटा. अभी कुछ नहीं है, अभी अपन को कैलकुलेट करना है. अपन कैलकुलेट द नेम कैसे आएगा, जैसे आएगा ये ऐसे आएगा. इसको ई माइनस बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई प्लस. यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है. मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस. तो कौन सा भी अगर ए आपने कंसिडर किया उसको ई बोलो, तो ये बन गया टू थीटा. अब इसका कैसे करेंगे, सिंपल है. दो वेक्टर है, सेम वेक्टर है, इसके बीचों बीच में लाइन करते हैं. तो ये बन जाएगा थीटा, ये बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा. तो ये कितना बन जाएगा, टू ई सॉरी हेलो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा. ये कितना बन जाएगा, टू ई कॉस थीटा. ये कॉस थीटा, ये भी ई कॉस थीटा. तो बेटा कितना बन गया, टू ई कॉस थीटा. कुछ नहीं है, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो. कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम निकाल देना है. यहाँ पे बन जाएगा ए, यहाँ पे बन गया आर, ये बन जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस बराबर. और ये बन गया थीटा. तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा बन जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस रूट. तो यहाँ पे कितना बनेगा, टू ई ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस. समझ गए. नाउ लेटर टू दिस, आफ्टर दिस व्हाट टू डू, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस नोट डाउन, देन वी विल गो फॉर द डेरिवेशन नेक्स्ट. हो गया बेटा, अभी क्या करते हैं इसको आगे करने के लिए जाना. ओके सो इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी आपने लिख दिया है. तो अभी ई कितना है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ई, दैट ऑल्सो विल बी टू. सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ई, दैट कैन बी डन. सो E is equal to 2. Electric field, what is the value? 1 by 4 pi epsilon naught Q upon this distance is R square plus A square root, matlab R square plus A square bracket is to half bracket square, matlab kya mai aise likh sakta hu root आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. एंड इसका वैल्यू कितना, ये बन गया ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो रूट का स्क्वायर सिंगल बन जाएगा और ए दोस्तों ई इज इक्वल टू टू क्यू ए अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट इज टू थ्री बाय टू ब्रैकेट इज टू 3/2. यहाँ पे भी शॉर्ट डायपोल का अप्रोक्सीमेशन करने का, फॉर शॉर्ट डायपोल कर रहे थे आर इज ग्रेटर देन ए. क्या करेंगे, ए को नीचे कैंसिल करेंगे, ऊपर नहीं कैंसिल करेंगे. अभी टू क्यू ए की जगह पी लिखेंगे, पी है ना, पी कितना है क्यू इंटू टू ए, उसकी जगह पी लिखेंगे पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ब्रैकेट इज टू 3/2. ये कितना बन गया, कितना बन गया, ये बन गया
इक्वल टू, और डिरेक्शन कौन सा, इस डिरेक्शन में जाएगा, माइनस पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का रेस्ट टू 3 बाय आर क्यूब। एग्जैक्ट कितना आएगा 2p, और इक्वेटर कितना आया खाली पी, बराबर। तो एक्सियल ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, 2 ई इक्वेटोरियल। सो दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट बोथ द डेरिवेशन, डू इट नाइसली, दोज आर नॉट गेटिंग दैट डू अ प्रैक्टिस वंस ट्वाइस थ्राइस, स्टिल देर इज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी टुमारो, वंस अगेन वी विल मीट विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक, टिल दैट एवरीथिंग यू प्रैक्टिस एंड टिल टुमारो स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विद फिजिक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।